राजेश खन्ना की यह मूवी पूरे 100 दिनों तक सिनेमा घरों में चली थी, जहां आज बॉलीवुड की मोस्ट ऑफ द मूवी फ्लॉप हो जाती है। वही एक ऐसा टाइम था जब बॉलीवुड में राजेश खन्ना की यह मूवी पूरे 100 दिनों तक सिनेमा घरों में चली थी, क्योंकि उस टाइम पर लोग एक्टर्स को इतना पसंद करते थे कि मूवी को ब्लॉकबस्टर और हिट बनाने के लिए एक्टर्स का नाम ही काफी हुआ करता था। उन्हीं एक्टर्स में से एक थे राजेश खन्ना, क्योंकि जब उनकी फिल्म रिलीज होती थी तो सिनेमा घरों में टिकट मिलना मुश्किल हो जाता था और लोग फिल्म देखने के लिए कई दिनों का इंतजार करते थे। उनकी एक फिल्म ने तो पूरे बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड ही ध्वस्त कर दिए थे। इस फिल्म का नाम था आराधना, जो 100 दिनों तक थिएटर में चलती रही और इसमें राजेश खन्ना के साथ एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर नजर आई थीं। ये फिल्म देखते ही देखते फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हो गई। वैसे आपको राजेश खन्ना की कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट में बताओ।